नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। कांग्रेस कमेटी रायडी द्वारा बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शंख मोड़ मांझा टोली में कार्तिक उराव की प्रतिमा में माल्यार्पण करके प्रारंभ हुई, जो 5 किलोमीटर दूरी तय करके रायडी प्रखंड मुख्यालय तक पहुंची और यहां भीमराव अंबेडकर बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण के उपरांत सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का गगनभेदी नारे लगाए गए। भारत जोड़ो यात्रा के जिला संयोजक जैतू उराव ने कहा कि भाजपा नफरत को राजनीति कर रही है, धार्मिक उन्माद फैला रही, एक दूसरे को लड़वाने का कार्य कर रही है, GST लागू कर जनता को कर का अतिरिक्त बोझ डाल रही है, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। पूर्व जिलाध्यक्ष चुमनू उराव ने कहा कि हम सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं, भाजपा की तरह उन्माद फैलाना हमारा कार्य नहीं है। प्रखंड अध्यक्ष इस्माइल कुजूर ने कहा, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले की पार्टी है, हम समाज में सभी को मिला जुला कर चलते हैं, जातिवाद धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। आज दिनांक 30/11/2022 को प्रदेश के निर्देश अनुसार भारत जोड़ो पदयात्रा का रायडी प्रखंड में आयोजन किया गया था और इसकी शुरुआत जो है कि शंख मोड़ कार्तिक उराव की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करके वहाँ से पदयात्रा शुरू हुई। उसके बाद में है कि रायडी प्रखंड कार्यालय के कैंपस में रंगमंच के पास सभा में तबलीत हो गई। रायडी प्रखंड में आज भारत जोड़ो यात्रा हम लोग किए हैं। आज भारत जोड़ो के दरमियान देश में जो नफरत पैदा हो रही है, नफरत उत्पन्न किया जा रहा है, हम लोग उस नफरत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई एवं तरह तरह की जो जनहित के विरुद्ध जो काम हो रहा है, हम उनको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, उसी कड़ी में हम लोग अभी तो प्रखंड में किए हैं, पंचायत में करेंगे और प्रत्येक घर घर में जाके अपनी कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांतों को उन लोगों को बताएंगे और जोड़ने का काम करेंगे।